नमस्कार दोस्तों, अविरल टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक इंसान का मानसिक स्वास्थ्य काफी महत्वपूर्ण है। आपने कुछ सालों से ये जरूर नोटिस किया होगा कि अब लोग मानसिक स्वास्थ्य को इम्पोर्टेंस देने लगे, समझने लगे हैं, वरना पहले इस पर कोई बात भी नहीं करता था और इसे हमेशा से एक टैबू की तरह लिया जाता था। धीरे धीरे लोग इस विषय में जागरूक हो रहे हैं, जो कि हर व्यक्ति जो इन समस्या से गुजर रहा है उसके लिए काफी मददगार साबित होगी। मानसिक स्वास्थ्य की स्थितियां कई तरीके की हो सकती हैं और एक इंसान अपने जीवन के कोई भी पड़ाव में हो इससे ग्रसित हो सकता है। कई छोटी उम्र के बच्चों को भी डिप्रेशन और एंग्जाइटी से डायग्नोस किया गया है और बड़ों व्यक्ति में तो कई लोगों का मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित बीमारियां देखने मिलती हैं। तो दोस्तों, चलिए आपके और जानकारी के लिए हम आपको बताते हैं मानसिक स्वास्थ्य की कुछ स्थितियां जिसके बारे में सबको पता होना चाहिए। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक तरीके का मेंटल हेल्थ इशू है जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि जिन्हें ओसीडी है उन्हें हर जगह साफ सुथरी रखनी पसंद होती है, पर ये कई केसेस में काफी वर्स्ट होती है। ये आपके दिमाग में किसी तरीके का ऑब्सेशन या अनअपेक्षित विचारों को जन्म देती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति छत पर खड़ा है तो उसको अनअपेक्षित विचार आएगा कि वहां से कूद जाए। कई बार ये काफी घातक और जानलेवा साबित हो सकता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यह एक ऐसी तरीके का मेंटल कंडीशन है जब इंसान किसी ट्रॉमेटिक चीजों से गुजरता है, जैसे एक महिला के साथ बलात्कार, एक आर्मी ऑफिसर जिसने जंग लड़ा हो, कोई भी ऐसी घटना जो कि एक इंसान एक साथ गुजरती है। उस वक्त एक इंसान जिस दर्द और पीड़ा से गुजरता है वो उसके साथ रह जाती है और वो उसे उस घटना के बाद भी महसूस करता है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के कारण इंसान कभी ठीक से सो नहीं पाता है, किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाता है। फोबिया यह एक ऐसी कंडीशन है जब किसी इंसान को कोई भी एक चीज से डर लगने लगता है और जब भी वो चीज उसके सामने आती है उसे एंग्जाइटी या पैनिक अटैक आने लगते हैं। ऐसे फोबिया से इससे जूझने वाले लोगों के रोज के कामकाज पर भी असर पड़ता है। ये चीज कुछ भी हो सकती है, कोई रंग, कोई सिचुएशन, कोई इंसान, कोई फूल, कोई जगह आदि। जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर ये एक ऐसी मेंटल कंडीशन है जब एक व्यक्ति को ज्यादा एंग्जाइटी होने लगती है या वो लगातार किसी चीज के लिए परेशान होता है। कई बार इस डिसऑर्डर से ग्रसित लोग बार बार चक्कर खाकर भी गिर जाते हैं, कई फोकस नहीं कर पाते और उनको लगातार कुछ दिनों में एंग्जाइटी अटैक आते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।